कितने दिन हो गए सर आपको पिग फार्म करते हुए? सर मुझे 1 ईयर के लगभग हो चुका है। तो अभी तक सर आपने कितने रुपए के जानवर सेल किए सर? सर तकरीबन मैंने अब तक का 7 लाख के लगभग, 7 लाख के लगभग। कहना चाहूंगा अभी भी वो कहूंगा आप लेबर के भरोसे रखो, बहुत अच्छी बात है, कोई वजह लेबर रखे, लेकिन आप सबसे पहले किसान भाइयों से बिल्कुल हाथ जोड़ के ये विनती है कि वो अपने काम अपने आंखों के आगे करवाए जी। हाँ, क्योंकि नौकर के हाथ छोड़ोगे तो सर दिक्कत पा जाओगे जी। आजकल सर कुछ फार्म बंद भी हो रहे हैं, कोई कहता है ये बिजनेस बहुत बेकार है, इसमें लॉस है, इसमें घाटा है, जो कोई कहता है कि इसमें कमाई नहीं है, तो सर इसके बारे में सर आपका क्या राय है? सर सर मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा, शॉप बहुत खुल रही है मार्केट में जी, खुल रही है, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती है जी। जो अपने मैनेजमेंट जिसका अच्छा है जी सर, बिल्कुल क्लियर होता हूँ, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जो अपने फार्म को सीधी सी बात है अपना समझे काम करेगा कि भाई मुझे ही करना है जी, वो कभी मार नहीं खाएगा। मैं फिर वही बात कहूंगा भाई उससे, किसान भाई अगर आप किसी भी लेबर के चक्कर में रहोगे, लेबर अच्छा है हम मना नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर पूरा काम लेबर के भरोसे छोड़ दोगे तो सर आप मार खा जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। भाइयों के साथ दिक्कत होती है वो होती है फीड की जी, बना तो हम बहुत अच्छा लेते हैं जी, सिखाने के लिए जानवर भी बहुत ले आते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्रिएट कहां होती है कि हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए नहीं होता, बैकअप नहीं हो पाता, बैकअप नहीं होता, बैकअप जरूरी है खिलाने के लिए जी। हाँ जी, तो इसलिए फार्मर फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, और फिर इस काम को कहता है कि सर एक सिंपल सी बात है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक शॉप बहुत अच्छी चल रही है, कम चल रही है, क्यों चल रही है जी? जी, क्योंकि सीधी बात है उसका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका मैनेजमेंट नहीं अच्छा जी सर, बिजनेस कोई बुरा नहीं होता जी। जी, मैं ये नहीं कह रहा ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा है, पिग फार्मिंग अच्छा है, मुर्गी फार्म अच्छा नहीं, बहुत अच्छे फार्म है, कितने दिखा दूंगा आपको मुर्गी फार्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। आप सर्दियों में जानवरों का बच्चों का ध्यान नहीं दोगे, छोटे बच्चे मरते रहेंगे, तो आपका फार्म कैसे चल जाएगा जी सर। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं सर, इन्हें एक छोटे सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनिल तोमर है, मैं ग्राम सिरसली से हूँ, और मेरा फार्म पड़ता है बाम डोली ग्राम है, और सिरसली इनके बीच में रास्ता है, उस पर मेरा फार्म पड़ता है ओम पिगरी फार्म के नाम। ओम पिगरी फार्म, हाँ जी। अपना पिग फार्म स्टार्ट किया था तो सर कितने जानवरों से अपना फार्म स्टार्ट किया? सर जब मैंने अपना पिग फार्म स्टार्ट किया था सर, मैंने 10 मादाओं से जो मेरी गिल्ड थी, और 20 बच्चे लेकर आया था जी। 20 बच्चे लेकर आए, 20 बच्चे लेकर आया था। तो सर इस लाइन में आप कैसे आए, आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे पिग फार्म करना था? इससे पहले सर आप क्या करते थे? अच्छा, सर इससे पहले मैं IMS गाजियाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करता था सर जी। तो उसके बाद में आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना टाइम आया, कोरोना के टाइम के पे तो जॉब बहुत छूटने लगी, हम भी घर आ चुके थे, तो कॉलेज वालों ने निकाला तो है नहीं जी, मैं आपको क्लियर बताऊं, निकाला तो है नहीं, पे आधी कर दी। अच्छा, तो धीरे 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 भाई ये सोचा कि भाई जब हम दूसरों का काम कर रहे हैं, हम अपना काम क्यों ना करें जी। हाँ, तो फिर मैंने बहुत बिजनेस देखे, बहुत देखा, मुर्गी पालन भी देखा और बकरा फार्म भी देखा। तो एक हमारे बड़े भाई हैं, अब शायद आपने नाम भी सुना होगा, श्री सचिन बालियान जी, ग्राम काकड़ा से हैं, लेकिन उनका हसनपुर में अपना फार्म है पिग फार्म। तो मैंने उनके फार्म पे भी गया, फिर मैंने देखा मुझे काम अच्छा लगा, फिर उनके ऑब्जर्वेशन में मैंने ये काम शुरू करा था जी। हाँ जी, तो सर जब आपने अपना पिग फार्म स्टार्ट किया था, कहीं से ट्रेनिंग वगैरह की थी सर, कैसे सर? सर जब पिग फार्म शुरू करा तो सर मैंने हाँ ट्रेनिंग ली थी सर, बरेली से मैं ट्रेनिंग लेकर आया था। तो उसके बाद में सर, लेकिन सीधी सी बात है सर, ट्रेनिंग लेना का कोई फायदा है, मैं मना नहीं कर रहा ट्रेनिंग लेने का फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में बहुत अंतर होता जी। हाँ, चीज़ें हम लिख के सीखे उसमें इतना मज़ा नहीं है जितना हम करके सीख सकते हैं, है नहीं सर? तो मैं ये जिन सचिन बालियान जी का मैंने आपके सामने नाम है, तो मैं उनके पास में रहा, कई दिन रहा उनके पास में, मैंने मादाओं को मुझे वहाँ पे भी सिखाया गया था, उनके पास रह के, भाई के पास, सचिन जी के पास में रह के मैंने मादाओं को ब्याना, पूंछ काटना, दाना फीड घेरना, इंजेक्शन लगाना, बहुत चीज़ें सीखी। तो फिर उसके बाद मैंने अपना फार्म खोला था सर जी। हाँ जी सर। तो सर करंट में सर आपके पास कितने जानवर हैं सर? सर इस टाइम मेरे पास 80 के लगभग जानवर हैं सर। तो लगभग कितने दिन हो गए सर आपको पिग फार्म करते हुए? सर मुझे 1 ईयर के लगभग हो चुका है। तो अभी तक सर आपने कितने रुपए के जानवर सेल किए सर? सर तकरीबन मैंने अब तक का 7 लाख के लगभग, 7 लाख के लगभग बेच चुका हूँ सर। 7 लाख के लगभग आपने जानवर सेल किए? छोटे बड़े मिला के सारे हैं, क्योंकि पहले क्या कहते हैं मादा के साथ में गिल्ट के साथ में छोटे बच्चे भी लेकर आया था, जिसमें पहले 20 पहले लेकर आया था, फिर 20 फिर बाद में लेकर आया था, वो भी निकाले, फिर मादा भी आई मेरी,
उनमें छोटे छोटे बच्चे भी गिल्ट छोटे बच्चे भेजे बेचे हैं, बड़े भी बेच रहा हूँ, तो अभी तकरीबन मेरे 20 से 25 तक मेरे पास है जानवर जो मैं अभी निकालूंगा उनको जैसे 80 प्लस हो चुके। तो इतने जैसे एक साल के लगभग हो गया सर आपको, तो सर क्या क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या क्या दिक्कत आई है, कौन कौन सी सर इसमें बीमारी आती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो कोई नया फार्मर है स्ट्रक्चर सर कैसे बनाए, तो टोटल जानकारी दीजिए सर हमारे किसान भाइयों को। अच्छा अच्छा सर, ये कहते हैं कि पिग फार्म में बीमारियां आती हैं, मैं मना नहीं करता, बीमारियां बहुत आती हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका होता है बायोसिक्योरिटी। आप जान अपने फार्म में किसी बाहर के आदमी को ना घुसने दें, खासकर कोई दूसरा फार्मर भाई आएगा, ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दूसरा फार्मर भाई आएगा उसे तो घुसने ही ना दें। जी जी जी। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनके फार्म में क्या प्रॉब्लम है बेचारों के, क्या नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ सबके फार्म अच्छे हैं, लेकिन बायोसिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप अपने फार्म में किसी को घुसने ना दें। जी जी। अगर कोई फार्मर भाई भी आता है तो आधा एक घंटा उसे अपने फार्म पर बिठाएं, बाकायदा उनके हाथ वहाँ धुलाएं अच्छी तरीके से, फिर बाद में चूना अपने उनके स्लीपर बदलवाएं, अपने स्लीपर चुने उन्हें में लगवा के जब उन्हें अंदर ले जाए, जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोसिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि सर अगर जानवर को थोड़ी सी बीमारी आ गई तो हमारा पूरा पूरे फार्म को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। सर एक बार बताइए, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ जी सर, मैंने आपका स्ट्रक्चर भी देखा है, काफी सुंदर स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ जी सर, तो जैसे कोई जैसा जो आपने गलती की है कुछ, हाँ, ऐसे तो है नहीं कर सकते सर, हर किसान 100% सही करता है। हाँ जी, तो जैसे कोई नया किसान है स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, वो किन किन चीजों का सर ध्यान रखे? सर सबसे पहले तो किसान भाई को ये देखना चाहिए, मैं एक सिंपल से बात बताता हूँ, जो फार्म में पानी है पानी नहीं रुकना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होनी चाहिए। जी, ढलान अच्छा होना चाहिए, ढलान अच्छा होना चाहिए, पानी रुकेगा। मैं ये नहीं कहता बड़े जानवरों को कोई दिक्कत होगी, बड़े को होती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन छोटे बच्चों को उससे ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में नमोनिया टाइफाइड का असर आ जाता है, जी जी। थोड़ा दस्त लग जाते हैं, तो आप उनसे बचाने के लिए क्या है, एक तो सफाई रखें, दूसरा फार्म में पानी की ऐसा ना छोटे कहीं रुका हुआ पानी हो। जी हाँ जी, ढलान वगैरह अच्छा, ढलान वगैरह अच्छा हो। दूसरी बात, मैंने कमी करी थी कि मैंने अपने फार्म में नाली बनवाई थी। जी जी जी, बिल मैंने जो भी फार्म भाई आता है, फार्मर भाई आता है, मैं उन्हें ये भी कहता हूँ नाली ना बनवाए। नाली का क्या है, नाली गोल होती है, पाइप लगते हैं उसमें, नाली गोल होती है, जी जी। तो दोनों तरफ से पानी आएगा तो पानी अच्छी तरह नहीं निकलता। जी जी। आप एक देसी वर्डिंग होता है मोरी। जी जी, मोरी, मोरी सुना होगा नाम, मैं देसी है तो देसी बोलेंगे, मोरी 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 होती है। तो उसमें क्या होता है, पानी मारते हैं तो पानी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है, गंदगी के साथ निकल जाता है, तो पानी ना तो रुकता है उससे ना कोई दिक्कत। तो कोशिश करेंगे मोरी बनाए, मोरी बनाए। हाँ, तो मोरी सर आप ये पीछे की साइड बनाए कैसे बनाए? नहीं सर, अंदर की तरफ रखोगे तो सर गंदगी अंदर आएगी, फिर अंदर से आपको नाली साफ करनी पड़ेगी। जी, तो पीछे की साइड। हाँ, तो आप बैक साइड में बनाए, थोड़ा स्पेस दें, नाली थोड़ी बड़ी रखें अपनी, वो जो नाली है उसमें मोरी जिसमें पानी जाएगा, और उससे जानवर को साफ करना, उसमें पानी मार दीजिए वो सीधा बाहर खेत में या गड्ढा जो भी बना रखा है आप। सर जैसे फीड की बात की जाए, हाँ जी सर, जैसे कोई नया किसान है जो अपना पिग फार्म स्टार्ट कर रहा है, हाँ जी सर, तो जैसे छोटे लेवल का जो कोई छोटे लेवल से करना चाहता है, हाँ जी सर, जैसे कोई किसान 5 या 10 माता से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो इन्हें कितने बैकअप की जरूरत है, फीड और स्ट्रक्चर से अलग? सर फीड से और स्ट्रक्चर सर मतलब बैकअप की। जी सर, इस बिजनेस में सर सबसे पहले आदमी सोचता है स्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा, तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, लगाना है उतना लगाओ जितनी जरूरत है। जी सर, ये नहीं कह रहे कि आप भाई पूरा पैसा उसमें लगा दो, आपको पैसा स्ट्रक्चर नहीं देगा बिल्कुल, पहली और फर्स्ट लास्ट बात ये है, आपको पैसा देगा जानवर देगा, और जानवर का फीड देगा। जी, फीड क्यों देगा, क्योंकि भाई जानवर आपका जो खाएगा वो आपको ग्रोथ दिखाएगा। जी जी, है नहीं सर, तो इससे क्या फायदा है आपका, आप अपने जानवर को अच्छा जानवर लाएं, अच्छी ब्रीड का जानवर लाएं, दूसरा उसे अच्छा फीड खिलाएं। जानवर जो आपका सब कहते हैं 7 महीने में 6 महीने में बढ़ाओ, 7 महीने में हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6.5 से 7 महीने के अंदर आपका हो जाए तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा है सर। हाँ, 1 क्विंटल तक का हो जाता है। हाँ जी, तो फीड पे ज़्यादा रखें, मेरा तो बिल्कुल यह है कि आप जानवर ले गए, जानवरों को भी इतना ना लाएं कि आपको फीड की दिक्कत हो। जी हाँ, जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा आप फीड के लिए रखें। जी, क्योंकि आपको 1-2 दिन नहीं खिलाना, कम से कम आपको जानवर को 6 से 7 महीने खिलाना है, मादा को खिलाना है फिर बच्चे को खिलाना है। जी हाँ, तो इसलिए आपको बैकअप कम से कम 1 से 1.5 साल भी आएगा, तो 7-8 महीने का तो आपको रखना ही पड़ेगा। जी जी, हाँ जी सर। तो सर जैसे कोई नया किसान है, हाँ जी सर, वो पिग फार्म करना चाहता है, तो वो कौन सी ब्रीड से अपना फार्म स्टार्ट करेगा? सर यहाँ पे इंडिया में ब्रीड बहुत है,
ड्यूरोक है, बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो अच्छी ब्रीड है और ज़्यादा जल्दी वेट गेन करती है, वो है अमेरिकन लार्ज वाइट। जी हाँ, उसकी सेल भी अच्छी है, जानवर भी बहुत प्यारा है। मैं सीधी बात बताऊँ, जानवर बहुत अच्छा है, लंबा है, अच्छा। तो आप कोशिश कीजिए जो हमारे यहाँ पे सबसे जल्दी ब्रीड बढ़ती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है अमेरिकन लार्ज वाइट। अमेरिकन लार्ज वाइट जी सर, मेरे पास में इस टाइम ड्यूरोक है और अमेरिकन लार्ज वाइट और F1 है। F1 होता है जो अमेरिकन लार्ज वाइट और ड्यूरोक का क्रॉसिंग होता है। सर सेल में जैसे लॉकडाउन के टाइम सेल की दिक्कत आई थी, आज करंट में सेल की तो सर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, हाँ लॉकडाउन में तो सर अच्छे अच्छे, क्योंकि सारा माल आसाम में जाता है, मणिपुर से बाहर जाता है सर, तो लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत ट्रेडर भाई हैं यहाँ पे जो ये कहते हैं कि हम कि माल बनने से पहले आके पूछ लेते हैं भैया माल है कि नहीं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी हम लोगों से। तो सर आज करंट में कटिंग का क्या रेट चला है सर? सर आज में अगर जो कटिंग का रेट चल रहा है सर 140 to 145 चल रहा है, जो इस टाइम चल रहा है। ये भाव पहले बहुत अच्छा था, 150 के लगभग पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ा आसाम में स्वाइन फीवर की वजह से थोड़ा अपडाउन होता रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस टाइम 145 के लगभग का चल रहा है। तो सर वैक्सीन की बात कीजिए आई, तो आप जो वैक्सीन किस किस चीज़ के अपने जानवरों को लगाते हैं? हाँ सर, इनका टाइम पीरियड सर कितना? हाँ कितना होता है सर? सर हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होता है, मोस्टली दवाई तो हमें सब रखनी पड़ती है, जैसे फीवर हो गया, दस्त हो गया, ये हो गया, तो जानवर को देख के, जानवर के बिहेवियर देख के उसे दी जाती है जी। लेकिन जो मस्ट दवाई होती है, एक तो स्वाइन फीवर की होती है हमारी जी, हाँ, जानवर के जो ईयर में हर छठे महीने लगाई जाती है, छठे महीने में रिपीट होती है, रिपीट होती है। और दूसरा होता है, एक कहते हैं देसी भाषा में खुरपका मुंहपका जी, FMD, तो FMD मैं हिंदी में से बोल रहा हूँ कि भाई किसान भाई कोई समझता नहीं होता जी, खुरपका मुंहपका जी, बिल्कुल सर। हाँ खुरपका मुंहपका, ये आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मुफ्त में मिल जाएगी, या किसान डॉक्टर लगा के जाएंगे या आपको दे देंगे, वो आप अपने आप लगा लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मिलता, मोस्टली तो ये दो ही बीमारियां हैं, खुरपका मुंहपका और ये स्वाइन फीवर की। सॉरी, तो सर आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी बात बताई, तो एक बार सर अपने स्ट्रक्चर और दिखाइए किसान भाइयों को। हाँ सर, स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए? हाँ, और सिंपल स्ट्रक्चर है आपका, मैं हाँ, देख भी रहा हूँ, आपने दीवार भी इतनी ऊंची नहीं की हुई है, इसके बाद मुर्गा जाली लगाई हुई है हवा के लिए, आने आदान प्रदान के लिए। तो एक बार सर चलिए और हमारे किसान भाइयों को स्ट्रक्चर दिखाइए। ठीक है सर, ठीक है। तो किसान भाई आइए चलते हैं, स्ट्रक्चर देख लो। तो जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ किसान भाइयों को, देखिए सर का स्ट्रक्चर है, काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है, 3 फुट की दीवार की हुई है सर ने, बाकी मुर्गा जाली लगाई हुई है, हवा के लिए आदान प्रदान के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। ऐसे सर ने दो सेटअप तैयार किए हुए हैं। तो सर इस केबिन की बात की जाए, इस केबिन का क्या साइज रखा है आपने? सर इस केबिन का है ये 13x6 का है, 13x6 का 13 फुट लंबाई है, 6 फुट इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई है। और हाँ, आपने वाटर निप्पल भी सही तरीके से लगाया? हाँ जी सर, वाटर पैर निप्पल आपने कितने इंच पर लगाया? बहुत नीचे लगा है, तकरीबन मेरा 6 से 9 इंच के बीच में है सर, और दूसरा तकरीबन कितने में, 2 फुट के लगभग, 2 फुट के लगभग, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए या बड़े जी। तो इस फीमेल के बारे में बताइए सर, ये सारी इतनी अच्छी लेंथों की, लेंथ की मादा है, देखिए किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ, सभी किसान भाइयों को लेंथ दिखाता हूँ, भी दिखा सकता हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये जब बनेंगे, देखिए किसान भाइयों, देखिए लेंथ देखिए, पहले प्योर लार्ज वाइट है, देखिए लेंथ देखिए। तो सर ये प्रेग्नेंट फीमेल है ना सर ये? हाँ सर, प्रेग्नेंट फीमेल है सर, ये सेकंड टाइम की है सर मेरे पास। अच्छा, कितने दिन बाद डिलीवरी होने वाली है सर? सर ये जुलाई के 1st या 2nd वीक में हो जाएगी सर। जी जी, हाँ जी सर। देखिए किसान भाई लेंथ देखिए, पैसे तो मादा की, और इसका इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे तरीके से है। और ये देखिए लेंथ देखिए क्या, नहीं बैठे रहता, कितनी सुंदर मादा देखिए। काफ़ी भारी मादा है और यहाँ पर जानवर सारे अच्छे हैं, देखिए सारे हेल्थी जानवर हैं, सारे बढ़िया जानवर हैं। फार्म पर टोटल कितने केबिन है सर? ये इस वाले में सर मेरे 16 केबिन है सर, ये खाली मेरी मादाओं के लिए हैं जी जी, ये हमारे प्रेग्नेंट मादाओं के लिए हैं, और इसमें 16 केबिन लिए हैं, और उस साइड में तकरीबन 8 से 10 केबिन उस तरह में, क्योंकि वो मेरा उसका है, फैटनर का है सर।
तो सर पहले तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है ये वाला सर, दो स्ट्रक्चर बनाए सर आपने, इस वाले स्ट्रक्चर की लंबाई और चौड़ाई बताइए सर। सर ये मेरा है 30x50 जी, 13x50 का है, जिसमें 13 फुट इधर है और 13 फुट इधर, 4 फुट की मेरी गैलरी है, 4 फुट की गैलरी, यानी कि 30x50 का है, 30x50 का है, 30 फुट इसकी चौड़ाई है और 50 फुट इसकी लंबाई है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। कितने दिन के है सर ये? सर ये मेरे पास 5.5 महीने की मादाएं हैं। अच्छा, फीमेल है सर ये? फीमेल है सर, ये फीमेल है। तो ये बोर है सर? हाँ सर ये बोर है मेरा। तो एक बार बोर को ठाक दिखाइए सर, एक्टिव बोर है। तो सर कितने दिन का बच्चा है सर ये? सर ये भी 5.5 महीने के लगभग का है। ये इसीलिए हल्का कर रखा है क्योंकि सर इनको फीड अलग से देना पड़ता है, कम देना पड़ता है, जिससे इसकी ग्रोथ हो, लेंथ हो, अच्छी बन पाए। जी जी। तो इन बच्चों की बात की जाए, सर कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये 2.5 महीने के हैं, 2.5 महीने के बच्चे। अच्छा, 2.5 महीने। वेट भी सर मुझे लग रहा काफी है इनमें। हाँ सर ये तकरीबन 25 से 30 के बीच। जी जी। ये सारी प्रेग्नेंट फीमेल है? ये सब प्रेग्नेंट माता है सर मेरी। तो आपके जो फार्म पर इस टाइम करंट में सर कितनी प्रेग्नेंट फीमेल है सर? सर मेरे पास जो इस टाइम है सर, मेरे पास 10 प्रेग्नेंट फीमेल है इस टाइम। जी जी। और प्लस मेरे पास 5 फीमेल है जो अभी आगे की करवानी बाकी है। जी जी। 15 से मैं है इस टाइम सर। जी मेरे पास तो ये डूरोक का साउंड है सर ये? हाँ सर ये मेरा बोर है। तो ये सर कितने दिन का साउंड है सर ये? सर ये कितने दिन का साउंड है सर ये? सर ये तकरीबन मेरा 8-8.5 महीने का साउंड, 8-8.5 महीने का साउंड है। आपने ये सर ये डूरोक का ब्रीड है, पाल रखी है, इसमें और लार्ज व्हाइट में सर क्या अंतर है? सर मतलब कैसा, क्या कहना चाहते हैं, मतलब अंतर क्या हो? यानी कि किसका, यानी कि किसका वेट जल्दी बढ़ता है सर? वेट सर हमारी जो इंडिया के, हमारे जो यहाँ हिसाब देखा जाता है सर, यहाँ पे लार्ज वाइट का ज्यादा अच्छा वेट, लार्ज वाइट का ज्यादा, लार्ज वाइट का ज्यादा बढ़ता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जो भी लार्ज वाइट की मादा है, देखो हर फार्मर का अपना अपना है, मैं ये नहीं कहूंगा। जी जी। उसमें ये होता है जो लार्ज वाइट होता है, अगर जो आप किसी दूसरी नस्ल से करोगे तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, प्लस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लस क्या होता है बच्चे की मोर्टिलिटी बहुत कम होती है। जी। तो सर इनका लीटर साइज कहते हैं कि ज्यादा आता है, क्या हकीकत है सर इनका लीटर साइज ज्यादा मिलता है इनका, इनका बच्चे हाँ, देने की क्षमता इनमें? हाँ, 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 सर ये देखा है मैंने सर, इनके बच्चों दे, जो मेरे पास में मादा है, एक मादा ने जो आपको मैं दिखाई थी उसने 1 टाइम में 15 बच्चे दिए थे, पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम की ने 15 बच्चे दिए थे, और जो मेरे पास मिनिमम भी आए थे बच्चे हुए थे उसने 8 बच्चे दिए। तो लार्ज वाइट से ज्यादा लीटर साइज रहता है? हाँ हाँ हाँ, बच्चों में ये बात देखिए। तो जो वाई इस वाली ब्रीड के बारे में बताइए सर, ये F1 है सर, ये लार्ज वाइट प्लस ड्यूरोक मिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मिक्स है। तो ये सांड है सर? हाँ सर ये सांड है सर, ये मेरे पास 3 सांड है ये बिक्री के लिए। अच्छा, बिक्री के लिए है ये बिक्री, क्योंकि अपने इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये होती है, आपका जो फार्म है, फार्म के सांड आप अपने फार्म पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी। तो इसका क्या नुकसान है सर? सर उससे क्या होता है सर, एक तो आपकी ब्रीड खराब हो जाएगी। जी हाँ, ब्रीड खराब हो जाएगी। दूसरा जो बच्चों की जो कैपेसिटी है, जो मादा बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 देती है, वो 2-4-5 पे आ जाएगी, इनका एवरेज कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। दूसरा बच्चों की जो मोर्टिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक कहते हैं ना उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। जी जी। हाँ, इम्यूनिटी पावर। तो सर एक बार हमें दूसरा सेटअप के बारे में दिखाइए हमारे सर। हाँ सर, ये मेरा दूसरा सेटअप है। तो ये आपने जो इसका जो साइज रखा है सर, फैटनर का जो केबिन है, हाँ जी, इसका क्या साइज लिया सर आपने? सर ये है मेरा, हाँ सर ये मेरा 13x24 का है, 13x24 का है, 24×48 × 12। अच्छा, ये 12x, ये 12x13 का है जी, ये 24x13 के है जी। तो ये सर आपने जो ये कितने दिन के साथ जानवर है सर? ये मेरे 5.5 महीने के ये बड़े वाले हैं। जी जी, ये वाले बड़े 5.5 महीने के सर, ये छोटे बच्चे। तो आपका जो फार्म है सर, कितनी कैपेसिटी का फार्म है टोटल? सर तकरीबन मेरा 350+ है सर। जी जी जी, 300-350 जानवर से ऊपर आ जाएगा। जी जी, दोनों सेटअप में सर? दोनों सेटअप में जी।
मादा का इसीलिए अलग करना पड़ता है सर, जो विंटर आता है तो विंटर में फायदा ये रहता है कि हम मादा पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं जी, जी, है ना। फैटनर पे हमें इतना नहीं रखना होता कि फैटनर का तो खाली बाहर चारों तरफ से हमने अपना फार्म कवर करा, फैटनर को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मादा के लिए हमें थोड़ा हीट चाहिए, बच्चा होता है तो बच्चे को बचाने के लिए, तो बार बार हम फैटनर के में फार्म में आ सकते हैं, लेकिन मादा के में जिसमें प्रेग्नेंट है उसमें नहीं घुस सकते हम बार बार, क्योंकि हवा लगेगी, गर्म हीट बाहर जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि फैटनर का और मादा का अलग हो सके, अलग हो। हाँ जी सर, इसमें ये बेनिफिट है। तो और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को सीख फार्म करते समय? बस मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा, अभी भी वो कहूंगा, आप लेबर के भरोसे रखो, बहुत अच्छी बात है, कोई वजह लेबर रखे, लेकिन आप सबसे पहले किसान भाइयों से बिल्कुल हाथ जोड़ के ये विनती है कि वो अपने काम अपने आंखों के आगे करवाए जी। हाँ, क्योंकि नौकर के हाथ छोड़ोगे तो सर दिक्कत पा जाओगे जी, क्योंकि ऐसा तो बिजनेस है नहीं कि भाई 2-4-5 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो जाए, मोटा बिजनेस है तो भैया अपना देखना तो पड़ता है, खुद ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। लेबर के भरोसे मत छोड़ो, लेबर के भरोसे नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल क्लियर कहा, लेबर के भरोसे नहीं सर जी। आजकल सर कुछ फार्म बंद भी हो रहे हैं, कोई कहता है ये बिजनेस बहुत बेकार है, इसमें लॉस है, इसमें घाटा है, जो कोई कहता है कि इसमें कमाई नहीं है, तो सर इसके बारे में सर आपका क्या राय है सर? सर मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा, शॉप बहुत खुल रही है मार्केट में जी, खुल रही है, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती है जी, जो अपने मैनेजमेंट जिसका अच्छा है जी सर, बिल्कुल क्लियर होता हूँ, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जो अपने फार्म को सीधी सी बात है अपना समझे काम करेगा कि भाई मुझे ही करना है जी, वो कभी मार नहीं खाएगा। मैं फिर वही बात कहूंगा भाई उससे, किसान भाई अगर आप किसी भी लेबर के चक्कर में रहोगे, लेबर अच्छा है हम मना नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर पूरा काम लेबर के भरोसे छोड़ दोगे तो सर आप मार खा जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। दूसरी बात एक और है, मैंने पहले ही कही थी, आप अपने बनाने वनाने पे इतना ध्यान ना दें जितना आप अपने जानवर पर उसके फीड पे रखें जी, क्योंकि हमारे जो फार्मरों भाइयों के साथ दिक्कत होती है वो होती है फीड की जी। बना तो हम बहुत अच्छा लेते हैं जी, दिखाने के लिए जानवर भी बहुत ले आते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है कि हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए नहीं होता, बैकअप नहीं हो पाता, बैकअप नहीं होता, बैकअप जरूरी है खिलाने के लिए जी। हाँ जी, तो इसलिए फार्मर फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, और फिर इस काम को कहता है कि सर एक सिंपल सी बात है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक शॉप बहुत अच्छी चल रही है, एक कम चल रही है, क्यों चल रही है जी? जी, क्योंकि सीधी बात है उसका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका मैनेजमेंट नहीं अच्छा जी सर, बिजनेस कोई बुरा नहीं होता जी। जी, मैं ये नहीं कह रहा ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा है, पिक फार्मिंग अच्छा है, मुर्गी फार्म अच्छा नहीं, बहुत अच्छे फार्म है, कितने दिखा दूंगा आपको, मुर्गी फार्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा है। आप सर्दियों में जानवरों का बच्चों का ध्यान नहीं दोगे, छोटे बच्चे मरते रहेंगे, तो आपका फार्म कैसे चल जाएगा जी सर? भगवान की दुआ से, मैं देखो ज़्यादा तो कहता नहीं, मेरे नवंबर दिसंबर में मादा भी आई थी, तकरीबन 6-7 मादा भी आई थी, और भगवान की दुआ से उनमें मेरी 2 से 3 बच्चे ही मरे थे जी। तो सीधी सी बात है, आप जितना बच्चे बचा लोगे आपका बेनिफिट है जी सर, बच्चों से ही तो पैसा वही होना है आपका, नहीं तो बेनिफिट है, नहीं तो वही है फालतू में खिलाने से क्या फ़ायदा इन लोगों जी। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी प्रॉपर जानकारी दी, इतना डीपली बताया कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, देखिए। तो धन्यवाद सर जी, अच्छा नमस्कार नमस्कार।